आइए। प्रणाम। प्रणाम कौशल्या देवी। एमा, मैं इन्हीं का इंतजार कर रहा था। जब मैं नेवला खरीदने गया था ना, तो रास्ते में इनसे मुलाकात हो गई थी। इन्होंने कहा नेवला वेवला पालने की कोई जरूरत ना है, तेरी समस्या मैं खुद आकर सॉल्व कर दूंगी। और जैसे ही मैं इनसे मिलकर थोड़ा सा आगे बढ़ा, किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। वाह, अरे यो तो सरासर गलत है पिताजी। माना कि आप छोटे गमले की तरह लगते हो, लेकिन आपको मुंह पर गमला बोलने का हक किसी को ना है। पत्ता ने भी कोई हक ना है मारा पोता कहलाने का। अरे भाई, पिताजी गमला नहीं, पिताजी कह रहे हमला हमला। एक तो मारा पूरा बदन दर्द कर रहा है और ऊपर से बेवकूफ मारा माथा ठनका रहा है। बब्बल जी, ये नाग अंजना तो उस रात आग में जलकर ये जिंदा वापस कैसे आ गई? और बब्बल, कैसी तबीयत है तारी? मारी पूजा का असर हुआ कि नहीं? हुआ ही होगा। नाग अंजना की दवा होती कड़वी है, लेकिन असर जरूर करती है। आपने बिल्कुल सही कहा। उस रात की पूजा के बाद मारे पोते की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। जो बुरे बुरे सपने आते थे ना, वो भी बंद हो गए। सो तो होना ही था। मारी लाठी जब बरसती है, अगला पिछला सारा मेल निकाल देती है। उस रात मैंने बब्बल को इतना बड़ा सच दिखाया कि इसकी सपने देखने की आस ही खत्म हो गई होगी। इसकी समस्या तो आपने दूर कर दी, मुझ पर भी कृपा कीजिए। मारे पिछले जन्म के पिताजी को एक नाग ने डस लिया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। मुझे उस नाग के बारे में पता करना है, मन्ने उसे सजा देनी है। चुटकी भर का काम है खड़क सिंह जी। यहाँ चुटकी बजी, वहाँ आपकी मुश्किल खत्म। बस एक क्रिया करनी है। जैसे क्रिया संपन्न होगी, आपका गुनहगार नाग आपके सामने आ जाएगा। जो कहें जैसा कहें, मैं सब कुछ करूंगा, आप बताओ बस। नागों भीदेव, ये कौन सा नया इम्तिहान है? नाग अंजना सही सलामत है, ये फिर अपने पैंतरे फेंकेगी, फिर नागिस्तान का रास्ता जानकर वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगी। अगर इसने मेरी सच्चाई घर वालों को बता दी तो? बब्बल जी ने तो मुझे अपना लिया है, लेकिन लेकिन घर वाले कभी नहीं अपनाएंगे। ऐसे तो अनर्थ हो जाएगा, जो सहा जितना सहा सब माटी मोल हो जाएगा। नहीं नहीं, इसे बब्बल जी, बब्बल जी वो सपेरन मैं संभाल लूंगा। बब्बल जी आप जानते हैं ना, वो कितनी शक्तिशाली है। पिछली बार जब वो आई थी तब वो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अब वो हम दोनों को जानती है, हमारा राज जानती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इच्छा तुम डरो मत, वो जैसे आई है वैसे ही उसे वापस भेज देंगे। इस मुसीबत से जान छुड़ाकर भागे थे आपके पिताजी, उसी मुसीबत को घर ले आए। हाँ तो वो जानबूझकर सपेरन को यहाँ पे नहीं लेके आए हैं। उन्हें पता भी नहीं कि सपेरन के इरादे क्या है, वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है। वो तो बस अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने मेरी मुश्किलें तो बढ़ा दी ना। हाँ तो मैं हूँ ना तुम्हारी मुश्किलों को आसान करने के लिए, इतना घमंड और गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। बब्बल जी मैं कहाँ घमंड दिखा रही हूँ, या आने वाले खतरे के बारे में सोच सोच के मेरी हालत खराब हो रही है। तो मुझे भी उस खतरे का एहसास है, इसका मतलब नहीं तुम। ओफो, आप दोनों अभी तक नाराज हो एक दूसरे से? नाराज तो उन पर होते हैं जिन्हें हमारी नाराजगी की कदर होती है। जब किसी को बेवजह नाराज होने की आदत लग जाती है तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता है।
इस मामले में कम से कम मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब बस भी कीजिए आप दोनों, और कितना समझाऊं मैं आप दोनों को। अरे आप दोनों इसी तरह झगड़ते रहे तो आप ही की मुश्किलें बढ़ेंगी, इनफैक्ट बढ़ चुकी हैं। क्यों, क्या हुआ है? सपेरन ने रिया की तैयारी शुरू कर दी है। राज शेष सर्व संकट विनाशा, पाप संहार माम रक्ष मेणागो। राज शेष सर्व संकट विनाशाय, पाप संहार माम रक्ष मेणागो। राज शेष सर्व संकट विनाशाय, पाप संहार माम मेणागो। राज शेष सर्व संकट विनाशाय, पाप संहार माम रक्ष मेणागो। ये कैसी क्रिया है बबल जी? पाप संहार माम। बबल छोरा, आके पूजा में बैठ जा। नहीं दादी, आप तो जानती है ना, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता। सबको पता है कि आप हमारे बाप हो, फिर चिल्ला चिल्ला के क्यों बता रहे हो बाप बाप? भाई बाप नहीं, पिताजी कह रहे हैं सांप सांप, वो देखो पर्दे पे सांप। अरे हाँ, ये तो सांप ही है, फिर ये बाप क्यों कह रहे थे? अरे ओ मेरे बाप, चुप हो जा चुप हो जा। सांप की आकृति एक औरत की आकृति में बदल गई। पता चल गया, खड़क सिंह, एक बात बोलूंगी, 100 बात की वज्जन की, ध्यान से सुन। धाड़ी पिछले जन्म के पिताजी का जो हत्यारा था, अब वो एक इच्छाधारी नागिन है। अच्छा, कहाँ है वो? नहीं छोड़ूंगा उसको। धीरज खड़क सिंह, धीरज। कुछ रहस्य इतनी आसानी से नहीं खुलते। आज जो क्रिया हुई उसमें बस मुझे इतनी जानकारी मिली है, अगर इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक और पूजा करनी होगी। करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे। एक बात नागंजना डंके की चोट पर कह सके कि वो इच्छाधारी नाग थारे से ज्यादा दूर नहीं है। एक बात बता खड़क, अगर तने पता चले कि वो इच्छाधारी नागिन कौन है कहाँ है तो क्या तू उससे मार डालेगा? आपको कोई शक है क्या? मैं अपने पिता के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। शाबाश खड़क, थारा ये जज्बा देख मने गड़ा अच्छा लगा। अब सुन, ये जो इच्छाधारी नागे ना बड़ी पहुंची हुई चीज हो गए है, तो उनको हम मार नहीं सकते, फिर पकड़ कर कैद जरूर कर सके हैं। हाँ। एक बार कैद हुई तो तड़प शुरू, और फिर
एक दिन वो तड़प उनको मार देती है। अब बोल खड़क, आज शाम को पूजा करें? हाँ जरूर करेंगे, होगी पूजा, होगी होगी होगी। शाबाश। ममता, मेहमानों के कमरे में इनके रहने का बंदोबस्त करते। जी दादू। आ छोरा, मने पता था तू मुझसे मिलने जरूर आएगा। पुरानी कहावत है, नाक दबाओ तो मुंह खुली जावे है। तुमसे एक बात पूछनी थी। उस दिन तुम्हारे अड्डे पे इतनी बड़ी आग लगी थी, तुम बच कैसे गई? दुनिया में आग नहीं बड़ी जो ना गंजना को जला सके। और इससे भी छोरा, मारे खुद की जलाई आग में मैं कैसे जल सकूं? मतलब? मतलब सीधा है, नौटंकी मारी, आग मारी, पर्दा गिराया मैंने। वो तो मारी योजना थी तंडे और थारी इच्छा को बेवकूफ बनाने की। मने घना यकीन था कि तुम लोग समझोगे, सपेरन मरी जान छुट्टी। लेकिन ये सपेरन नग से भी ज्यादा जहरीली है। मैं जिंदा थी, तुम दोनों की परछाई बनकर घूम रही थी, और आज मैं यहाँ आ गई। तो अब तुम क्या चाहती हो? वही जो पहले चाहती थी। लगता है तुम्हारी हारने की आदत छूटी नहीं है नागंजना देवी। इच्छा तुम्हें एक बार बांध दे चुकी है, फिर से एक बात समझ लो, इच्छा से उलझना बेकार है। तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहां से। ए छोरा, हाँ? बाण को लगाम दे। तड़के लगता है मैं ऐसे ही उठकर आई हूँ यहाँ। हाँ, पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। मने पता है थारा परिवार ही तुम दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए मारा निशाना वही सब है। पिछले कुछ दिनों से उनको बारीकी से देखा है मैंने, कौन कहाँ जाता है, क्यों जाता है, किससे मिलता है, सबका लिखा जोखा है मारे पास। और सबसे बड़ी बात, तू अपनी लाडली इच्छा को हर मुश्किल से कैसे बचाता है वो भी जानती हूँ मैं। इसका मतलब? एकदम सही सोच रहा है तू। मने तुझसे सिर्फ नागिस्तान का पता चाहिए। अगर तू अपने परिवार को इसी तरह हंसता खेलता खुशहाल देखना चाहता है तो चुपचाप मारी मदद कर, वरना इच्छा की सच्चाई सबके सामने और इच्छा घर के बाहर। एक मिनट ना लगेगा मने थारी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करने में। समझ में ना आ रही है, जिन लोगों ने थारे पिताजी को पीटा, तू उन लोगों की जान बचाने पर क्यों तुला है? क्या मतलब है तुम्हारा? मारा बोला छोरा, बात की गहराई समझ ना पा रहा है। आसान शब्दों में बता दूं, थारे पिताजी को इच्छा के पिताजी ने मारा है। मने अपनी आंखों से देखा है, नाग नाग हो वे छोरा, उन्हें कितना भी दूध पिलाओ पलट कर डसने के नियत कभी नहीं छोड़ते। अगर
तुम्हें अपने परिवार को बचाना है तो पहले नाग को ठिकाने लगाना ही होगा। ये शुभ कार्य सिर्फ मैं ही कर सकूं। तू हमारी मदद कर दे। तुम्हारी मदद करूंगी। क्या करूं? कैसे रोकूं सपेरन को? आज शाम की पूजा कोई साधारण पूजा नहीं होगी। इस पूजा के जरिए वो बब्बल जी से नागिस्तान का पता जानने की कोशिश करेगी। बब्बल जी, क्या हुआ? क्या बोला उसने? किसने? उस सपेरन ने। अभी आप उसी से मिलने गए थे ना? मैंने आपको उसके कमरे की ओर जाते हुए भी देखा था। नहीं तो? मैं उससे मिलने नहीं गया। तो अब आप मुझसे झूठ भी बोलने लगे हैं? ठीक है, एक मिनट। अच्छा, तुमसे एक सवाल पूछना था। अगर कभी भी मुझ में और तुम्हारे परिवार में से किसी एक को चुनना है, तुम क्या करोगे? किसे चुनोगी? सवाल है बब्बल जी। जैसा भी सवाल है, जवाब दो मुझे। ऐसे हालात कभी आएंगे ही नहीं। समझ लो, ऐसे हालात आ गए तो तुम क्या करोगे? जाहिर सी बात है, मैं आप ही को चुनूंगी। मिल गया जवाब। आप तो रोमांस रहने ही दीजिए। एक बार मौका देकर तो देख, फिर बताता हूँ कि रोमांस क्या होता है। बहुत देखा है मैंने आपका रोमांस। जय बजरंगबली कहे कि तुम मुझे बाहों में ले लेते हो, गोद में उठाते हो तो बेड पे धोबी पछाड़ देते हो। अरे मैं वो तो बस। जी सुनिए ना, आप भी एक टीवी सीरियल क्यों नहीं बनाते हो? टीवी सीरियल? मैं? अरे उससे क्या होगा? ताकि आप थोड़ा रोमांस करना सीख जाओ। आप ही देखिए ना, जो लोग टीवी सीरियल पे रोमांस दिखाते हैं, उनकी असल जिंदगी में कितना रोमांस होता होगा। अरे बावली, तू रैपर देख के चॉकलेट के टेस्ट का अंदाजा लगा रही है। मतलब? अरे मतलब ये कि टीवी पे रोमांस दिखाना अलग बात है और घर में रोमांस करना अलग बात। और टीवी पे सीरियल बनाने वाला भी घर में एक आम पति होता है जो काम और बीवी के बीच में हमेशा पिसता रहता है। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपने ये सब कुछ भुगता है। अरे भुगता नहीं है, देखा तो है मैंने। कहा? अरे सब टीवी पे एक नया शो आ रहा है, टीवी बीवी और मैं, धमाल प्रमो है। देखा ना क्या तूने अभी तक? नहीं। अरे हर टाइम तो टीवी से चिपकी रहती है और वो प्रमो ना देखा? अच्छा चल, एक मिनट एक मिनट, अभी दिखाता हूँ, तेरी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। एकदम उम्दा कहानी है, सीरियल बनाने वाला एक पति और उसके इस काम से तंग आई उसकी एक पत्नी। बेचारे पति का वो हाल होता है कि पूछो मत। और देख आ गया उसका प्रमो, देख। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क में। कम करो। न्यू दिल्ली में। कम। न्यू माडा कॉलोनी। और कम। राजीव, अब क्या ये पहलू? ड्रीम राइटर से जो बनाते हैं टीवी सीरियल, उनके साथ ऐसा ही होता है इन रियल। टीवी बीवी और मैं, आज से रात 9:30 सिर्फ सब पर। ये तो बड़ा ही मजेदार है। हाँ हाँ, मर्दों को रोता देख के औरतों को तो मजा ही आता है। ये टीवी सीरियल तो मैं जरूर देखूंगी। अरे नाना, मैंने तुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया है? तू ये टीवी सीरियल जरूर देखना। और हाँ, तेरे साथ मैं भी देखूंगा और सबको दिखाएंगे। 13 जून से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 सब देखिएगा टीवी बीवी और मैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।